मैं प्रोपराइटर हूँ, मेरे पर्सनल अकाउंट उसमें मान लीजिए सेविंग अकाउंट की क्रॉस चेकलिस्ट जाएगी, क्रॉस करके दूंगा मैं उसको, और प्लस आधार कार्ड इस टाइप से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन कार्ड, तो GST ओपन हो जाता है। तो ये आपका आपको खुद मैनुअली करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि दो अमेजोन पे भी के तो फ्लिपकार्ट पे आर्ट रह गई आपके पास, फिजिकली आर्ट रह गई हैं, तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके आर्ट कर देंगे, अमेजोन पे आर्ट कर देंगे। शिपिंग ज्यादा क्यों दूंगा थर्ड पार्टी को? अगर मैं सिंगल भेजूंगा तो मैं 250 ग्राम में भेजूंगा, मैं 50-60 रुपए ज्यादा क्यों दूंगा? मैंने पॉइंट कैच कर लिया, अमेजोन को मैंने बता दिया कि ये मेरा पॉइंट है, अमेजोन ने उसको ब्लॉक कर दिया, कस्टमर को बोले सर आप सही हैं, कस्टमर फ्रॉड कर रहा है। इस तरीके से मैंने पकड़ा कि उसमें 500 ग्राम सर्किल करके दिखाया कि 500 ग्राम का मैंने भेजा है, कस्टमर को एक प्रोडक्ट मिला है, या तो कोई नहीं मिलता, मिलते तो फिर दोनों मिलते हैं। सर इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये सोचिए मत कि ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, इस टाइप के प्रोडक्ट चलेंगे नहीं कि जो ऑलरेडी बिक रहे हैं, इस हिसाब से तो फिर नॉर्मल जींस या नॉर्मल फुटवेयर भी नहीं बिकना चाहिए था, क्योंकि ब्रांड भी 900-800 रुपए में मिल जा रहा है, भले एक एक आए दो दो आए, तो ये भी एक डिफरेंस हो जाता है कि आपने प्रोडक्ट भेज दिए वहाँ पे इन्वेंट्री ब्लॉक हो गई, और अगर नहीं बिका बाई चांस तो आपके पास दो ही कंडीशन रह जाती है, या तो आप प्राइस कम करिए या वापस मंगाइए, वापस मंगाएंगे तो आपको इतना लॉस हो जाएगा कि आप जितने का भेजा उतने का लॉस, कोई प्रॉपर्टी में। वहाँ क्या होता है, दुबई अबू धाबी ये सारे एमिरेट्स हैं उसके अंदर, तो वहाँ बड़ा फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होता है, कंपनी आप पर डिपेंड नहीं करती, एक जॉब के लिए वहाँ 1000 लोग बैठे हुए, 100+ फैक्ट्री है इस चीज की वहाँ, तो फुटफॉल ज्यादा रहती है, मेरे लिए इजी हो रही है, और घर घर में ये काम होता है, जिम इक्विपमेंट का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, स्पोर्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैरल 13 के बारे में, तो हम सर से जानेंगे कि क्या है बैरल 13। अपनी सेल्स को कई फोल्ड्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये कैसे होगा? वी हैव एक्चुअली कनेक्टिविटी ऑन फ्यू एरियाज, देयर इज अ ऑप्शन यू कैन सी ऑन द लेफ्ट पार्ट अंडर डैशबोर्ड हेडिंग, दैट्स अ शॉर्ट लिस्ट, एंड द सेकंड वन इज एक्टिव प्लान्स, यस ऑफ कोर्स दिस पे प्रमोट करना है, मोर देन द आउट, दिस इज एन आउटसाइड वे ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, बट Amazon इन इटसेल्फ एक खुद गूगल रिसर्च सिस्टम की तरह, अगर इफ यू हैव गुड स्पॉन्सर्ड एड्स, इफ यू हैव गुड A+ लिस्टिंग, हम आपको प्रोडक्ट ढूंढ के दे रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए, रादर देन आवर प्रोडक्ट टूल इज नॉट समथिंग कि आपके ऑलरेडी लिस्टिंग्स को हम प्रमोट करें, वुड बी इन अ सेकंड फेज ऑफ कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शिप्रॉकेट के बारे में, और मेरे साथ यहां पे शिप्रॉकेट के फाउंडर हैं। तो मैं एड्रेस करूंगा जैसे कि वेट है, वेट के इशू आना या डिलीवरी फेलियर होना, ये सब एक्चुअल इश्यूज हैं, कुछ चीजें हम आज सॉल्व कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम आई थिंक 60% सॉल्व कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम 20% सॉल्व कर पाते हैं, बट आइडिया ये है कि हमेशा वो सॉल्व कर पाएं। सेल शिप करते हैं अमेजोन पे या खुद अपनी वेबसाइट या खुद सोशल मीडिया पे बेचते हैं, ये लोगों की आजकल काफ़ी लोग करना शुरू कर गए हैं, तो ये 1.5-1.5 साल में ज़्यादा हुआ है, जो कह रहे हैं कि अपने खुद के ब्रांड्स बनने हैं, खुद के ब्रांड्स की ब्रांड मार्केटिंग देने का तरीका और आपके ऊपर ट्रस्ट करने का तरीका, अगर आप मैक्सिमम वेट होता है 200-250 ग्राम। मैं आपको एक केस दिखा सकता हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका वेट मैक्सिमम से मैक्सिमम 150 ग्राम नहीं है, उनमें 650 ग्राम उसका डाला हुआ, 650 ग्राम राइट। तो ई कॉमर्स में बहुत हम एज ए टीम बहुत अच्छी तरह से, गौतम शिपिंग और लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छी तरह समझता है, मेरा इस कंपनी में एक ही एंगल होता है कि सेलर का दिमाग क्या है, सेलर को क्या चाहिए एट दी एंड ऑफ द डे, और हिंदुस्तान में अगले 10 सालों में जो अमेरिका में हमने देख चुके हैं, UK में देख चुके हैं, लोग डायरेक्टली खरीदना शुरू बहुत ज़्यादा शुरू करेंगे, अगर आपके डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है। वीडियो में जो है रेगुलर में रहूँगा, और मैं समझता हूँ सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, फिर भी जो कुछ रह गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को गाइड करता रहूं, और डे बाय डे देखिए ई कॉमर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, जैसे GST की प्रोसेस चेंज हो गई, या फिर हो सकता है कल को फ्लिपकार्ट अलाउ करने लगे कि सेलर को आप जो है सेल्फ शिप करने लग जाइए, इस तरीके की कोई सी भी पॉलिसी कोई भी मार्केट प्लेस बना सकती है कभी भी, तो हमें एक्चुअली आज
के हिसाब से जो पता था वो हमने आप लोगों को बेस्ट तरीके से बताया। तो थैंक यू वेरी मच। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करेंगे कि और बल्कि चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ऐसे सेमिनार होते रहे और हमें कुछ सीखने को मिले। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी सर के वीडियोस देखे हैं, ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो भी देखें तो आपने उनके वो भी वीडियोस देखे होंगे जिन्होंने इतना कुछ उन्होंने बताया है। बट मैं ये कहूँगा कि यहाँ आके बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सर से इतनी सारी नई नई बातें पता चली कि जो बहुत काम आने वाली है। अगर आप सही में सीरियसली ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेनिंग सेशन ज़रूर अटेंड करें। और साथ ही साथ में आपको काफ़ी लोग मिलते हैं, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस और उनके व्यूज़ आपको पता चलते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलती है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को तो काफ़ी बेनिफिट मिला है इसका और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हर एक बंदे को आगे जो ये काम करना है उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं इस ट्रेनिंग से फुली सेटिस्फाइड हूँ, मुझे ये ट्रेनिंग से अच्छा लगा। टू बी ऑनेस्ट सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और अभी मैं यहाँ जो बैठा था तो मेरे पास कोई आइडियाज़ नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मेरे पास एक प्रॉपर प्लान है, मेरे पास कुछ कर सकता हूँ आपके हेल्प से। मेरा नाम कुलदीप है और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे एक सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ ई कॉमर्स का, और मुझे अच्छा लगा कि सर ने ईकॉम और उन्होंने किस तरीके की मतलब ये सेमिनार रखा, और चाहता हूँ कि आगे भी कोई ऐसे ही कंटिन्यू करें। और यहाँ पे जितना हमें सीखने को मिल रहा है ये चीज़ें हमें कहीं आसपास ढूंढने से भी नहीं मिल पाएगी, और ये भी लाइव। हाय, मेरा नाम राजेश है और मैं ई कॉम की ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल फ्रेशर हूँ मैं इस फील्ड में, और अब जब ये हमारी सेमिनार कंप्लीट हो चुकी है तो मैं बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रहा हूँ, बहुत सारे नॉलेज लेके जा रहा हूँ, और डेफिनेटली आगे भी बहुत काम आने वाला है ये चीज़ें जो हम नॉलेज लेके जा रहे हैं। मेरा नाम रोहित है, मैं एक बिगनर स्टार्ट करना चाहता था तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा ऐसी मीटिंग का। जैसा कि सर से मैं काफ़ी आइडियाज़ लेके जा रहा हूँ और सर के ट्रेनिंग का तरीका इतना स्मूथली है कि मतलब हर किसी को समझ में आसानी से आ सकता है। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। यहाँ आने से पहले मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, सर के पास आने में मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। अब मैं होपफुली कि अमेज़न या दूसरे वेबसाइट पर भी अपना काम चालू कर सकूँगा, मुझे बहुत बहुत फ़ायदा मिला। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, क्योंकि जिनकी वीडियो देख के हमने काम स्टार्ट किया था, आज उनसे पर्सनली मिलना हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नई ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है आई विल डेफिनेटली कम। सर ने जो ट्रेनिंग आज दो दिन से हम लोगों को जो दी है बहुत ही नॉलेजेबल रही हमारे लिए और काफ़ी हेल्पफुल रही। हमें लगता है कि अब जितना हम लोग पहले से ग्रो कर रहे थे उससे और ज़्यादा अब हम लोग सीख के अपनी लिस्टिंग को और अपनी सेल को और बढ़ा पाएंगे। ऑलरेडी मेरे को 1.5 साल हो गया करता तो मेरे को दिक्कत नहीं थी, स्टिल मैं आया हूँ अपने बेसिक क्लियर करने, क्योंकि बेसिक से मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट अगर मैं सिर्फ अपनी बेसिक क्लियर कर दूँ तो 100 ऑर्डर्स डे पे ईजिली जा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। सर, मेरा नाम हरेंद्र कुमार, हम बिहार से हैं। ये ई कॉमर्स के बिजनेस में कुछ भी जानकारी नहीं था, सर का वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा रहा और जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा रहा। हेलो, आई एम संजीव दत्त। मैं ही शायद सबसे दूर से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से, लेकिन आके पता चला बहुत कुछ अननोन था। मैं सेलर हूँ, 3-4 मास काम किया लेकिन बहुत चीज़ पता नहीं था, वो पता चला, जिसलिए मेरा बिजनेस ग्रो करने का स्कोप हुआ है। हेलो, आई एम पराग वासने। मैं यहाँ एक तरह से सीखने के लिए ही आया हूँ, मैं एक अननोन अब इस समय, पर यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। सर ने बहुत चीज़ों को डीपली बहुत चीज़ों के बारे में बताया और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हेलो, मेरा नाम जाहिद है और मैंने यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा है, और मैं यही कहना चाहूँगा जो नए लोग हैं स्टार्ट करना चाहते हैं वो एक बार यहाँ पर ट्रेनिंग में ज़रूर आएँ, उन्हें भी आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि हम लोगों ने सीखा। मेरा नाम आनंद है, मैं आगरा से आया हूँ और ये वाली जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं नया सेलर हूँ, मेरे को पहले कुछ पता नहीं था, तो काफ़ी बेसिक्स क्लियर हुए हैं और बाकी का जब स्टार्ट करेंगे तो और चीज़ें समझ में आने लगी।